एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कल्चर श्रेया। और मैं हूँ श्रेया। तो आप सबने तो हेडलाइन देखकर समझ ही गए होंगे आज मेरा फाइनली वो दिन आ गया कि सुमित आज मुझे हेयर कट कर देने वाले हैं। तो कल मैंने शैम्पू किया था तो इसीलिए सुमित ने बोला बाबू चलो आज हेयर कट कर देती हूँ। तो प्रीति ने मुझे हेयर कलर करके दिया था, ये देखिए इधर ब्लैक है इधर रेड है ब्राउन कलर का, कुछ इस तरह से अभी हेयर है। तो ज़्यादा डीप वो कट नहीं करेंगे, कितना करेंगे मुझे पता नहीं, शायद बॉय कट भी कर सकते हैं क्योंकि पहली बार मैं उसे मेरा हेयर को उसके हवाले करने वाली हूँ। मेरा हेयर का क्या हासिल होने वाला है मुझे तो पता नहीं, वो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। वो अभी काम कर रहे हैं, थोड़ा वायर का कुछ काम कर रहे हैं। कल रात को ना वायर में आग लग गया था, उसके बाद वायर कट गया था तो वही वो लगा रहे हैं। ये देखिए आई होप देख पाएंगे आप, ये देखिए थोड़ा सा उठने में ना दिक्कत होता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आधा सुमित आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा ऊपर है, देखिए काम कर रहा है। बाबू हेलो, बाबू हेलो करो, हाय बाबू कुछ तो मुट्ठा को था हुआ। ये जो वायर है वायर का काम कर रहे हैं और मैंने हेयर को कॉम कर लिया है। और पीछे देखिए जंगली जंगल, और कल बारिश हुआ था, उतना अच्छा से नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। और बारिश होने की वजह से ना यहाँ पर जो मेरा छोटू सा जो गार्डन है जो बनाया मैंने थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा सा हो गया है। और एलोवेरा जो प्लांट है ना वो शायद हो जाएगा मैंने बैठाया है। और ये देखिए एरिका प्लांट पाम ट्री भी बोल सकते हैं ये और कुछ यही सब ही है बस। तो वेट करती हूँ कब तक उसका काम वो काम ख़त्म हो जाते हैं, कब मेरा हेयर को कट करते हैं। तो चलिए वीडियो में एक लाइक वाला बटन भी दबा लीजिए हो सके तो, शुरुआत नहीं अगर शुरुआत में नहीं करना चाहते तो पूरा वीडियो को देखने के बाद भी आप कर सकते हैं कि आपका पसंददार वीडियो है कि नहीं, ठीक है। और बस मैं वेट कर रही हूँ और थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भी हूँ और थोड़ा सा डरी हुई भी हूँ। हाँ तो क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उसे देने वाली हूँ मेरा हेयर को। तो आप सब एक्साइटमेंट में हो ना, देखना चाहते हो ना, मैं भी बहुत जल्दी देखना चाहती हूँ लेकिन उसका काम ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो चलिए जब तक वो काम करते हैं मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, दूसरा काम करके फिर आती हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं डर रही हूँ कि वो मेरा हेयर ख़राब ना कर दे, सिर्फ मैं पीछे का ही मैं बोलूँगी करने के लिए, लेकिन वो बोल रहे पूरा आगे से मुझे लेयर कट कर देंगे क्योंकि लेयर स्टेप ना मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए देखते वो क्या करते हैं। और फिर एक फ्रेंड ने मुझे कहा था दीदी बॉयकट कीजिए आपको फेस में बहुत अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा मेरे फेस पे बॉयकट, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इसका काम ख़त्म नहीं हो रहा है। होए चे बाबू, चलो फाइनल हो गया, मिशन सक्सेसफुल। मैं पीछे पीछे सुमित के घूम रही हूँ कब वो मेरा हेयर कट कर देगा। ये साइड है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर निकलने के बाद क्योंकि पिक्चर क्वालिटी अच्छा आता है और मुझे देखने में अच्छा लगता है और बैकग्राउंड में ग्रीन ग्रीन है इसीलिए मुझे अच्छा लगता है इस तरफ। चलो दो तीन फोटो क्लिक वाला से हेयर कटर हो गया सैलून वाला, क्योंकि सैलून पार्लर सब बंद है अभी। अभी क्या हो रहा है लॉकडाउन के वजह से ना जिम पार्लर शॉपिंग मॉल वेस्ट बंगाल में पूरा बंद है, तो अभी इसलिए उसका हेयर बहुत ग्रो कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो बोला थोड़ा कटिंग कर दो बाबू क्योंकि दो मुँह बाल हो गया उसका, ठीक है, दो मुँह साफ होते हैं दो मुँह बाल हो गए, दो मुँह इंसान भी होते हैं जैसे बाबू। मैंने बीच से मांग फाड़ लिया है, हेयर को पीछे से अच्छे से कॉम कर लो। तो छिरे थे तुम्हारे पूछो
सुनते ही नहीं चल, पानी लगा लो हो सके तो। ना ना सुनते ही नहीं चल गया, काट दो अतरा छोड़ कर दो। देखिए बॉय कट सोमन करे काट बे ठीक है, हम को धरे काटे ना, ये तभी धरे काटे फर्स्ट से शुरुआत एक टिकट करे करे। हां ये घटक करे काट दो थोड़ा थोड़ा हेयर को, कैमरा तो आछे तो। हां तो क्यों है दो यार चले दा मम्मी ना दा 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 सेब दे दे तो एकदम छोटा मत कर देना। नहीं छोटा कर दो, बताना कैसा लग रहा है सुमित का घर का। ठीक है चलो अभी मैं सामने से लेयर कट दूंगी। मैंने सामने का हिस्सा मैंने अच्छे से कोम कर लिया है, ज़्यादा डीप मैं लेयर नहीं करूंगी। ये आईब्रो कितना तक, एक सेकंड देखिए फ्रेंड, मैंने डर के मारे गला गला सूख रहा है तो मैंने ऐसे वी शेप में कर लिया। ये जो मेरा छोटा छोटा बेबी आ रहा है इसीलिए समझ नहीं आ रहा है आपको, ये देखिए मैंने वी शेप में कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ना पीछे कर लेती हूँ, हेयर को टाई कर लेती हूँ तो आप समझ में आएगा आपको। दिख पा रहे आईब्रो के इतना, ठीक है। मैं ज़्यादा वी शेप में नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में लिया है, आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, घूम करने के बाद मैं एक छोटी सी चोटी बना लेती हूँ। चोटी बना लिया मैंने, इसको अभी धीरे धीरे से नीचे खींचूंगी।
ये जो नीचे का हेयर है इसे मैं कट करूंगी। ठीक है, ये देखिए। अगर मैं इस तरफ हेयर करती हूँ तो इस तरफ का ऐसे ऐसे कर दूंगी। मैं कभी कभी हेयर को इस तरफ भी करती हूँ, इस तरफ भी करती हूँ, तो इसलिए फिर से मुझे इस तरफ लेके जाना है। इसे ऐसे तिरछा करके काट। देखा आपने, तो मैं जब दोनों साइड हेयर को करूंगी तो मेरा ये दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, शिट, मेरे कपड़े में गिरा है हेयर। मेरा हेयर कट हो चुका है तो फाइनल लुक ऐसा आया है। आप इस तरफ भी हेयर को कर सकते हैं तो भी जाएगा। मैं थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मैंने हेयर को कट किया ना, इसीलिए अपने आप तो देखिए कुछ इस तरह से आया है लुक। तो बताना ज़रूर कैसा लगा मेरा हेयर कट लॉकडाउन के टाइम में घर पे बैठ के करना खुद से। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलो, घर थोड़ा सा गंदा हो चुका है क्योंकि नीचे जो हिस्सा है ना इतना गंदा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत ही हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टाटा।